भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, परमादरणीय राज्यपाल जी, हम सभी के लाडले नेता श्री नितिन गडकरी जी, श्री हसन मुशरिफ जी, हमारे डीन डॉक्टर राज गजभिये जी, यहां पर उपस्थित सभी महानुभाव, विशेष रूप से यहां पधारी हुई जीएमसी नागपुर की सारी एलुमनाई फैटर्निटी, हमारे सभी विद्यार्थी, प्राध्यापक, सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं जीएमसी नागपुर के इस प्लैटिनम जुबली समारोह में उद्घाटक के रूप में पधारी हुई भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का महाराष्ट्र सरकार की ओर से और जीएमसी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। यहां बैठे हुए कई लोगों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। सामने हमारे कई साथी बैठे हैं, उनमें से कोई एमपीज है, कोई एमएलएज है, कोई अलग अलग पदों पर है, जो यहां से डॉक्टर बने और अलग अलग क्षेत्रों में अब काम कर रहे हैं। और आज जिन लोगों का हमने सत्कार भी किया, वे भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे नागपुर की और देश की गरिमा बढ़ाई है। और विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा, मुझे बताया गया कि इस प्लैटिनम जुबली समारोह के लिए अमेरिका से 97 साल के डॉक्टर सिद्धम यहां पर पधारे हुए हैं। तो ये जो लगाव अपनी संस्था के साथ यहां पर लोगों का है, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संस्थान जिस समय बना, उस समय एक वक्त ऐसा था कि एशिया के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज के रूप में इसको देखा जाता था, और तब से लेकर लगातार लोगों की सेवा इस संस्थान ने की है और करोड़ों लोगों को चिकित्सा देकर उन्हें उत्तम आरोग्य मिले, इस प्रकार का प्रयास किया है और भारत को बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स देने का काम भी इस संस्थान ने किया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में जीएमसी नागपुर को देखा जाता है। मेरे लिए तो जीएमसी नागपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मेरा जन्म भी जीएमसी नागपुर में ही हुआ है। तो मेरी तो ये जन्मभूमि ही है। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष होता है, जिस समय ये कॉलेज बना, उस समय का इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय के हिसाब से अहेड ऑफ टाइम्स था, लेकिन आज इतने वर्षों के बाद उसमें बहुत बदलाव की आवश्यकता थी। इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि अब फिर एक बार प्लैटिनम जुबली के वर्ष में हमारे जीएमसी नागपुर को एक नया स्वरूप दिया जाना चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार की ओर से हमने 550 करोड़ रुपए ये जीएमसी नागपुर को दिए हैं और इसका पूरा स्वरूप हम लोग अत्याधुनिक कर रहे हैं और काम भी शुरू हो चुका है। और मेरा विश्वास है कि प्लैटिनम जुबली ईयर समाप्त होते होते जो लोग यहां पर आएंगे,
उनको इसका बदला हुआ चेहरा देखने को मिलेगा और एक बहुत ही आधुनिक इस प्रकार का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, उस प्रकार से इसको हम परिवर्तित कर रहे हैं। बहुत अच्छे ऑपरेशन थिएटर्स हम लोग बना रहे हैं, आधुनिक मशीनरी हम लोग यहां पर ला रहे हैं, हमारे हॉस्टल्स नए यहां पर तैयार हो रहे हैं, नई नई इमारतें भी तैयार हो रही है, प्लेग्राउंड भी नए रूप से तैयार हो रहा है, कैंसर इंस्टीट्यूट भी यहां पर तैयार हो रही है। तो एक प्रकार से अगले 50 वर्षों की तैयारी इस प्लैटिनम जुबली वर्ष में हमारा जीएमसी नागपुर निश्चित रूप से करेगा। और अभी अभी हमारे हसन मुशरिफ जी ने जिस प्रकार से बताया कि चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हर व्यक्ति को उत्तम अति उत्तम इस प्रकार की चिकित्सा मिले, उस दृष्टि से महाराष्ट्र सरकार जो पहल कर रही है उसमें एक बड़ा योगदान हमारा जीएमसी नागपुर भी देगा। मुझे यहां पर यह भी मेंशन करना चाहिए कि हमारा जो आईजीएमसी है नागपुर का, उसके लिए भी महाराष्ट्र सरकार ने 400 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि उसको भी आधुनिक बनाया जाए। और ये दोनों हमारे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अपनी आधुनिकता के साथ निश्चित रूप से सभी को सेवा और चिकित्सा देंगे। मैं इस मौके पर हमारे डीन डॉक्टर राज गजबिये और यहां की पूरी टीम को, हमारे सभी प्रोफेसर्स को, सभी हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ को और विशेष रूप से हमारे विद्यार्थियों को बधाई देता हूं कि आप इस प्रकार से इस कॉलेज को चलाते हैं जिससे निश्चित रूप से लोगों की सेवा होती है। ये कार्य आपका ऐसा ही चलता रहे, इन शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।